नमस्कार साथियों, मैं राजवर्धन चौहान एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी वेब्स क्लासेस पर। और जो अब समय हो रहा है वो यूपी पुलिस की परीक्षा को ध्यान में रखकर बनाए गए जीएस के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस पर बात करने का है। तो आज की जो स्लाइड है वो हमारे हड़प्पा से संबंधित जो क्वेश्चन है उनसे आगे की है। अपनी पिछली क्लास में हम हड़प्पा से संबंधित दो स्लाइड्स यानी कि 50 क्वेश्चंस के बारे में बात कर चुके हैं, तो उसी के क्रम में आज 25 क्वेश्चंस और हैं और इसी के साथ ही हड़प्पा के जो महत्वपूर्ण 75 क्वेश्चंस हैं वो आपके सामने प्रस्तुत हो जाएंगे। तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की, लेकिन सेशन की शुरुआत करने से पहले आपसे कहना चाहूंगा यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन के बटन को जरूर दबाइएगा जिससे कि नई नई वीडियोस की जानकारी आप तक समय से पहुंचती रहे। यदि आप इस वीडियो को पसंद करते हैं तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करिएगा जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका फायदा उठा सके। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की और पहला क्वेश्चन आप सभी के लिए ये रहा, लिखा हुआ है सिंधु घाटी के लोग किसके साथ व्यापार किया करते थे, चीनी के साथ, मेसोपोटामिया, पर्थियन या रोमन। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मेसोपोटामिया के साथ जो है व्यापार किया करते थे, मेसोपोटामिया के साथ जो उनके व्यापार थे वो सभी चीजों का हुआ करते थे, इवनली धातु का, कपड़ों का, मनकों का, इत्यादि वस्तुओं का वो जो था व्यापार मेसोपोटामिया के साथ लोगों के साथ सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का हुआ करता था। यदि हम बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के बारे में तो मेसोपोटामिया के लोग इस सभ्यता के लोगों को मेलुहा के नाम से पुकारते थे। किस नाम से? मेलुहा के नाम से पुकारते थे। अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि मेलुहा किसे कहा है तो मेलुहा सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को मेसोपोटामिया के सभ्यता के लोगों को द्वारा कहा गया है। अगली स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। सिंधु घाटी में उत्खनन से प्राप्त निम्नलिखित अवशेषों में से मोहरे वाणिज्यिक एवं आर्थिक विकास का संकेत देती हैं। यहां पर ये अंडरलाइन होना था, ये मिसचेक होना था, इस तरीके से आप पढ़िएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता में उत्खनन से प्राप्त निम्नलिखित अवशेषों में से वाणिज्यिक एवं आर्थिक विकास का संकेत कौन देता है? तो जो मोहरे हैं, मोहरे क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता के आर्थिक और वाणिज्यिक विकास को जो है रिप्रेजेंट करती हैं। ये मोहरे मेसोपोटामिया में भी प्राप्त हुई हैं, ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये उनके साथ संबंधों को जो है दर्शाती हैं। तो दूसरे का सही आंसर है बी। लिखा हुआ है अधिकांश मनके बने होते थे, मनके जो थे वो किसके बने होते थे? स्टिटाइट की मोहरे बनी हुआ करती थी, तो स्टिटाइट गलत है, जेस्पर और लेपिस भी इसमें गलत है। अधिकांश जो मनके थे वो टेराकोटा के बने हुए करते थे, टेराकोटा के बने हुए अधिकांश मनके सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त हुए हैं, तो सही है तीसरे का ए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर चार, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रोपड़ और कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थान है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है ये कि ये महत्वपूर्ण स्थान है। हड़प्पा के लोगों ने सड़कों और जल निकासी प्रणाली के नेटवर्क के साथ साथ योजनाबद्ध शहर विकसित किए, ये भी बात बिल्कुल सही है। तीन, हड़प्पा के लोग धातुओं का उपयोग नहीं जानते थे, ये बात गलत है। हड़प्पा के लोग धातुओं का उपयोग जानते थे, वो सोना, चांदी, तांबा, कांसा इत्यादि धातुओं का प्रयोग किया करते थे, लोहे का वो प्रयोग नहीं किया करते थे। तो पहला और दूसरा विकल्प यहाँ पर सही है और वो मिलता है आपको पहले ऑप्शन में। कौन सा? पहला ऑप्शन, चौथे का ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। डिस्क्रिप्शन आपके सामने है, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर पांच की ओर बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पावासी नहीं माना जाता था, कौन हड़प्पावासियों का काम नहीं माना गया है? कुओं का निर्माण, स्तंभों का निर्माण, नालियों का निर्माण और मेहराब का निर्माण। तो हड़प्पा सभ्यता की यदि आप इमारतों को देखते हैं तो जैसे आप मोहनजोदड़ो को देखेगा वहां पर कुओं और मेहराबों का वर्णन है, कुओं और मेहराबों की आकृतियां प्राप्त हुई हैं, तो मेहराब निर्माण का प्रयोग जानते थे, कुओं का निर्माण वो जानते थे। नालियों की व्यवस्था सिंधु घाटी सभ्यता को एक अद्भुत सभ्यता बनाती है, इसे स्वच्छ बनाती है, इसे अद्भुत बनाती है, तो वो नालियों का प्रयोग भी, नालियों का निर्माण भी किया करते थे। अगर वो नहीं करते थे तो स्तंभों का निर्माण, स्तंभों के अवशेष वहां पर प्राप्त नहीं हुए हैं। तो निम्नलिखित में कौन हड़प्पावासी या हड़प्पावासी चीज कलाकृति नहीं मानी गई है? तो स्तंभों का निर्माण, पांचवें का बी ऑप्शन, ठीक है। डिस्क्रिप्शन आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर छह की ओर बढ़ते हैं, लिखा हुआ है हड़प्पा काल में एक तांबे का रथ कहाँ खोजा गया था? तो हड़प्पा काल में एक तांबे का रथ कहाँ पर खोजा गया? दैमाबाद में खोजा गया। कहाँ पर? दैमाबाद में। दैमाबाद वो जगह है जहां पर क्या है, एक तांबे का रथ प्राप्त हुआ है।
इससे यह सिद्ध होता है कि संभवतः हड़प्पावासी जो लोग थे, हड़प्पा सभ्यता के लोग रथ का प्रयोग किया करते थे। तो सही आंसर है सिक्स का सी। चलिए अगले और बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन। लिखा हुआ है हड़प्पा सभ्यता के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। नंबर एक, उपमहाद्वीप में तक लगभग 280 हड़प्पा स्थलों की पहचान की जा चुकी है। नंबर दो, हड़प्पा सभ्यता के कब्जे वाले क्षेत्र ने एक आयत का निर्माण किया। नंबर तीन, गुजरात में हड़प्पावासी चावल का उत्पादन करते थे और हाथियों को पालते थे। तो पहला वाला भी गलत है। 2000 से अधिक स्थल तक जो है सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के खोजे जा चुके हैं और वो चावल का उत्पादन नहीं किया करते थे। चावल के साक्ष्य कम मिलते हैं, हाथियों का कोई भी प्रमाण हड़प्पा के लोगों के साथ नहीं मिलता है। तो कहीं ना कहीं इसमें दूसरा आंसर बिल्कुल सही है, यानी कि यहाँ पर आंसर जाता है आपका ए, यानी कि साथ में का सही आंसर कौन सा है, ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। सॉरी, सी दे रखा है, उपरोक्त में से कोई नहीं, सॉरी हाँ ये भी नहीं है, आयत का निर्माण नहीं है क्योंकि ये भी नहीं है क्योंकि वो वर्गाकार है। सही है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, उपरोक्त में से कोई नहीं सही आंसर जाएगा यहाँ पर। सी आंसर बिल्कुल सही है यहाँ पर, बाकी के आंसर जो हैं गलत हैं। ठीक है, तो सी आंसर यानी कि आपका ये वाला आंसर बिल्कुल सही है। चलिए अगली स्लाइड की ओर, आप डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर आठ की ओर बढ़ते हैं फिर। निम्नलिखित स्थलों में एक जहाँ सिंधु घाटी सभ्यता की प्रसिद्ध बुल सील पाई गई थी। तो जो एक बुल सील, मतलब एक मोहर जो है जिस पर कहा जाता है कि एक सिंह वाले गेंडे का चित्र अंकित है या एक बैल का चित्र अंकित है, वो कहाँ पर पाई गई, वो हड़प्पा से पाई गई है। कहाँ से, हड़प्पा से पाई गई है। तो सही आंसर है आठ में का ए। क्वेश्चन नंबर नौ, निम्नलिखित में कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई से संबंधित नहीं है। देखिए, आर डी बनर्जी हड़प्पा की सभ्यता से संबंधित हैं, के एन दीक्षित भी हैं, ये भी हैं, ये भी हैं, एम एस वत्स भी हैं, लेकिन बी ए स्मिथ नहीं है। तो सही आंसर क्या है, डी। बी ए स्मिथ के बारे में कहता है ये एक अंग्रेजी इतिहासकार थे और इन्होंने बहुत सारी अंग्रेजी इतिहास की जो है भारतीय इतिहास की किताबें लिखी हैं। तो ये जो थे हड़प्पा सभ्यता की जो खुदाई से संबद्ध नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 10, हड़प्पा सभ्यता किस ऐतिहासिक काल की श्रेणी में आती है। यदि हम बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता के बारे में तो ये प्रोटो ऐतिहासिक हिस्टोरिक काल में आती है, यानी कि सी आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही है। हड़प्पा सभ्यता कौन सी है, प्रोटो हिस्टोरिक या प्रोटो इतिहास काल में आती है। तो सही आंसर कौन सा जाएगा, सी। 10 का सही आंसर है सी। चलिए 11 क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं, आप डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं। यदि इसके साथ साथ आपकी कोई क्यूरी है, आपकी कोई जिज्ञासा है, आपको लगता है कि ऐसा नहीं, ये चीज़ ऐसी होनी चाहिए थी, मेरे द्वारा उसमें कुछ त्रुटि की गई है, तो अपने सुझाव भी आप जो है कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। 11, लिखा हुआ है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। विश्राल स्नानागार मोहनजोदड़ो की सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थान था जो धार्मिक स्नान के लिए बनाया गया था। बिल्कुल सही है, स्नानागार का फर्श पक्की ईंटों से बना था, ये भी बिल्कुल सही है। तो दिए गए कथनों में कौन सा सही है, एक और दो, दोनों ही कथन यहाँ पर बिल्कुल सही है। यानी कि हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत अगर हम कहते हैं, मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी, मोहनजोदड़ो में जो है एक बड़ी इमारत पाई गई जिसे स्नानागार बोलते हैं, ये एक धार्मिक अनुष्ठान के लिए सामूहिक रूप से लोगों के लिए नहाने का स्थान था। और इसके साथ साथ ये जो था पक्का था आपका स्विमिंग पूल था, यानी कि पक्का स्नानागार था जिसका फर्श पक्की ईंटों से बना हुआ था। इसके साथ साथ इसमें निकास के लिए पानी की व्यवस्था, पानी के निकास के लिए व्यवस्था की गई थी, यानी नालियां बनाई गई थी, अंडरग्राउंड नालियां थी, और इसमें जल भरने के लिए जो था वो कुएं इत्यादि भी बनाए गए थे। तो 11th का सी आंसर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। लिखा हुआ है निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल से बुने हुए कपास का एक टुकड़ा प्राप्त होता है। तो बुने हुए कपास का टुकड़ा कहाँ से प्राप्त होता है, बुने हुए कपास का टुकड़ा मोहनजोदड़ो से प्राप्त होता है। कहाँ से प्राप्त होता है, मोहनजोदड़ो से एक बुने हुए कपास का टुकड़ा प्राप्त होता है। सही है, आप इसके बारे में डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं। पहले ही मैं कह चुका हूँ कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कपास का निर्यात मेसोपोटामिया के लोगों के लिए किया करते थे और इसीलिए वो इसे बोने का
मेलुहा के नाम से पुकारते थे। ठीक है, अगले बढ़ते हैं। धौलावीरा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 13, यह गुजरात के क्षेत्र में स्थित है। बिल्कुल सही है। शहर किलेबंद था, यह भी सही है। यह हड़प्पा संस्कृति के तीनों चरणों को दर्शाता है, यह भी सही है। यानी कि तीन के तीनों ऑप्शन यहाँ पर कथन सही है, तो सही आंसर जाएगा आपका डी। यानी कि सही आंसर क्या है आपका? डी। ठीक है, आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन जो है, अभी हम उसके बारे में बात भी करेंगे। ये आपके सामने डिस्क्रिप्शन दे रखा है, डिस्क्रिप्शन को आप पढ़ सकते हैं। यदि आपकी कोई क्यूरी है तो आप, मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप कमेंट बॉक्स में जो है अपनी शंका का समाधान पा सकते हैं। चलिए, लोथल के बारे में कौन सा सत्य नहीं है? लोथल में एक गोदी की खोज कही थी, ये भी बात बिल्कुल सही है, क्योंकि लोथल क्या था, एक प्राकृतिक बंदरगाह था। निचला शहर क्लेवन था, ठीक है, ये गलत है। एक जहाज को चित्रित करने वाली एक मोहर की खोज की गई थी, ये सही है। आयताकार और गोलाकार अग्निवेदियां यहाँ से प्राप्त हुई है, तो कौन सा सत्य नहीं है? निचला शहर क्लेवन था, सही है। इसमें कौन सा आंसर सही है? बी वाला, 14 का बी आंसर यहाँ पर सही है कि निचला शहर क्लेवन था, यहाँ पर ये गलत दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से किस स्थल पर पूर्व हड़प्पा कालीन बस्ती नहीं मिली है? कोट दीजिए कालीबंगन, हड़प्पा और धौलावीरा। यदि हम बात करते हैं हड़प्पा, पूर्व हड़प्पा कालीन सभ्यता के बारे में, तो मोहनजोदड़ो से भी पूर्व हड़प्पा कालीन बस्ती के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, कोट दीजिए से भी प्राप्त होते हैं, कालीबंगन से भी प्राप्त होते हैं, लेकिन हड़प्पा की साइट से कोई भी पूर्व हड़प्पा कालीन सभ्यता के चिन्ह प्राप्त नहीं होते हैं। तो सही आंसर क्या है यहाँ पर, जो है सी, 15 का सी। क्वेश्चन नंबर 16, हड़प्पा कालीन शिलालेखों की कुल संख्या लगभग कितनी है? 3,000, 3,500, 2,500, 2,500 से कम। तो लगभग अब तक 3,000 के आसपास जो है वो स्थलों की खोज की जा चुकी है, तो सही आंसर है आपका ए, 16 का ए। 17, लिखा हुआ है मेगालिथिक दफन के समान एक दफनाने की प्रथा कहाँ पर पाई गई है? धौलावीरा में, नावली में, लोथल में, हड़प्पा में। तो धौलावीरा में क्या है, एक मेगालिथिक दफन, यानी कि मेगालिथिक बोलते हैं बड़े बड़े पहाड़ों का जो पत्थरों का जो टाइम पीरियड था उसके समान। धौलावीरा में क्या है, एक कब्र मिली है जिसको बाद में क्या है, बड़े बड़े पत्थरों से ढक दिया गया है। तो सही आंसर क्या है, 17 का ए, 17 का ए यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, चलिए अगली स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, हड़प्पावासी जेड कहाँ से आयात किया करते थे? तो हड़प्पावासी जेड, जेड का आयात कहाँ से करते थे? मध्य एशिया से किया करते थे। ठीक है, अगर हम बात करते हैं और निर्यात करने की, तो ये मध्य एशिया को अपनी कपास का निर्यात किया करते थे मुख्य था। सही आंसर का डिस्क्रिप्शन आपके सामने आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, सिंधु घाटी सभ्यता का निम्नलिखित रूप में कौन सा स्थल अपने कपास व्यापार के लिए हड़प्पा सभ्यता के मैनचेस्टर के रूप में जाना जाता है? कालीबंगा, रोपर, रंगपुर, रोपड़ और लोथल। कहता है कौन सा स्थल अपने कपास व्यापार के लिए हड़प्पा सभ्यता के मैनचेस्टर के रूप में जाना जाता है? तो मैनचेस्टर का मतलब होता है जहां पर सबसे ज्यादा फैक्ट्रीज लगी हुई हैं। तो इसका सही आंसर जो है वो आपका डी, लोथल है। सही है, कौन सा है? डी है, यानी कि लोथल हड़प्पा सभ्यता के मैनचेस्टर के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर सबसे ज्यादा जो है कपास की फैक्ट्रियां लगी हुई थी। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में कौन सा सम्मिलित नहीं है? मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है, धौलावीरा सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा भारतीय स्थल है, सुरकोटदा वह स्थान जहाँ घोड़े के अवशेष मिले हैं, चनहुदड़ो जुताई की गई खेत की सतह प्राप्त होती है। तो देखिएगा, मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता के सबसे बड़े स्थलों में से एक है, धौलावीरा सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा भारतीय स्थल है, ये भी सही है, सुरकोटदा वह स्थान जहाँ घोड़े के अवशेष मिले हैं, ये भी सही है, लेकिन चनहुदड़ो में जुताई की गई खेत की सतह मिलते हैं, ये ऑप्शन गलत है। सही है, यानी कि 20 का डी आंसर यहाँ पर कैसा दे रखा है? गलत दे रखा है। तो ये चनहुदड़ो में जो है जुताई की गई खेत की सतह नहीं मिलती है, यहाँ पर और चीजें प्राप्त होती हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं
चूड़ी बनाने का कारखाना मिलता है, स्याही के बर्तन मिलते हैं, बैठे हुए ड्राइवर वाली गाड़ियां, शंख आभूषण बनाने का कारखाना, धातु मनका बनाने का कारखाना आदि मिलते हैं। यह बिना गढ़ वाला एकमात्र शहर था। चन्हुदड़ो कैसा था? बिना गढ़ वाला एकमात्र शहर था। इक्के सबसे अधिक संख्या में मोतियों की खोज कहाँ से की गई? लोथल, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, एधोला, मीरा। तो सबसे अधिक जो मोतियों की खोज की गई है वो कहाँ से की गई है? हड़प्पा से की, सॉरी हड़प्पा, एक मिनट, कहाँ से की गई है? हड़प्पा से की गई है। सबसे अधिक मोतियों की खोज कहाँ से की गई है? सबसे अधिक मोतियों की खोज हड़प्पा से की गई है। तो सही आंसर क्या है? सी, 22। कैनोयर के अनुसार हड़प्पा शिल्प मानकीकरण की एक अद्भुत डिग्री प्रदर्शित करता है, ऐसी उपलब्धि का संभावित कारण क्या था? नंबर एक, स्थानीय स्तर पर कच्चे माल की उपलब्धता। नंबर दो, शिल्प के लिए केंद्रीकृत बाजार। नंबर तीन, शिल्पकारों के लिए विशेष प्रशिक्षण केंद्र और राज्य नियंत्रण। तो अद्भुत डिग्री इसलिए करता है क्योंकि स्थानीय स्तर पर कच्चे माल की जो थी वो उपलब्धता यहाँ पर ज्यादा थी, कच्चे माल की उपलब्धता के कारण ऐसा काम हो पाते थे। तो 22 का सही आंसर जाता है आपका ए, ठीक है। स्थानीय स्तर पर कच्चे माल की उपलब्धता के कारण जो था यहाँ पर शिल्प मानकीकरण की अद्भुत डिग्री प्रदर्शित होती है। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं। हड़प्पा संस्कृति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर एक विचार करें। हड़प्पा संस्कृति सिंध और पंजाब में परिपक्व हुई, सही बात है। वह वहां से दक्षिण और पूर्व की ओर फैलती है, ये भी सही है। जिस क्षेत्र में यह फैला वह मिस्र और मेसोपोटामिया से भी बड़ा था, ये भी सही है। तो कह रहा है कौन साइड में सही है? तो डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, पहला, दूसरा और तीसरा, ये सभी ऑप्शन यहाँ पर सही है। क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ते हैं। 24 क्या कहता है देखते हैं। लिखा हुआ है कि सभी का मिलान करें। देखिए, सुरकोटदा एक टैंक की आकृति प्राप्त हुई है या कहीं टैंक का खिलौना मिला है। मोहन जोदड़ो से क्या मिले हैं आपके? घोड़े के अवशेष भी मिले हैं। लोथल से सतही स्तर से घोड़े का साक्ष्य मिला है। और धौलावीरा घोड़े की टेराकोटा की मूर्तियां, यानी सभी सुन लेते हैं, ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। तो सही आंसर जाएगा आपका डी। और आज का अंतिम क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा फिर उत्तर दीजिएगा। लिखा हुआ है हड़प्पा के लोग अपना भोजन कांटे और चम्मच से खाते थे। हड़प्पा वासियों ने खेतड़ी तांबे खदानों का दोहन किया। लोथल का सबसे महत्वपूर्ण उद्योग जहाज निर्माण था। तो लोथल का उद्योग जहाज निर्माण नहीं था क्योंकि वहां पर एक डार्क यार्ड था, ये अलग बात है कि वहां से व्यापार हुआ करता था, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण था वो खेतड़ी तांबे का दोहन, यानी कि सेकंड वाला ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है, यानी 25 का सी आंसर, ओनली 2 यहाँ पर सही जाता है। 25 का सी आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही है, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन आपके सामने है। तो ये थे आज के 25 क्वेश्चन जो कि इतिहास से संबंधित हैं। आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन पसंद आए होंगे। यदि आप इन क्वेश्चन को पसंद करते हैं तो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिएगा। आज के लिए फिलहाल इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं कल एक नई वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।